स्टूडेंट, आज हम सिमेट्री ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे टू परमुटेशन इन SN आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम टाइप। कि दो परमुटेशन जो होती है इन SN के अंदर वो आपस में कंजुगेट होंगी इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम टाइप्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। थ्योरम थ्योरम में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टू परमुटेशंस अल्फा एंड बीटा इन SN आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम टाइप, राइट, दे आर सेम टाइप। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, टू परमुटेशन अल्फा एंड बीटा इन SN आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम टाइप होंगी। टू परमुटेशन अल्फा एंड बीटा इन SN आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम टाइप। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो टाइप ऑफ परमुटेशन है ये क्या है और कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास टाइप ऑफ परमुटेशन क्या है, टाइप ऑफ परम्यूटेशन, राइट, कि टाइप ऑफ परम्यूटेशन क्या है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट अ परम्यूटेशन अल्फा ऑफ डिग्री एन इज डी कंपोज एबल डिकम्पोजेबल इंटू इंटू डिसज्वाइंट साइकल्स ऑफ लेंथ लेंथ। अब लेंथ क्या है हमारे पास, S1, S2 डॉट डॉट SK, ये हमारे पास क्या है। इसके अंदर यहां से हम कहेंगे कि S1 जो है S1 लेस देन इक्वल टू S2 लेस देन इक्वल टू डॉट डॉट लेस देन इक्वल टू SK, राइट। यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस की फॉर्म होगी वो, जो कि हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट कि हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट प्लस SK इज इक्वल टू N, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, जो कि इसकी क्या है, डिग्री है। और यहां से हमारे पास क्या आएगा, द ऑर्डर के टपल S1 S2 डॉट डॉट SK इज कॉल्ड टाइप ऑफ परम्यूटेशन। क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ परम्यूटेशन है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है टाइप ऑफ परम्यूटेशन, जिसमें क्या कहा जाए, सपोज दैट के परम्यूटेशन अल्फा ऑफ डिग्री एन इज डीकम्पोजेबल इनटू डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ, जिसके अंदर लेंथ हमारे पास S1 से लेकर SK है, और इसके अंदर हमने कहा कि ये S1 जो है लेस देन इक्वल टू S2 या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, उनका सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, N के इक्वल आना चाहिए। और ये ही हमारे पास जो ऑर्डर होगा K टपल, ये हमारे पास जो K टपल ऑर्डर है, इसी को हम किसका नाम देते हैं, टाइप ऑफ परम्यूटेशन। अभी हम स्टूडेंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन आपको मजीद क्लियर होगी। स्टूडेंट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, और 1 मैप कर रहा है 2 पर, 2 3 पर, 3 मैप कर रहा है 1 पर, 4 मैप कर रहा है 5 पर, 5 मैप कर रहा है 4 पर, और 6 6 पर मैप कर रहा है, राइट। तो इसको जब हम साइकिल डिसजॉइंट साइकिल में लिखेंगे तो 1 2 पर और 2 3 पर, 3 1 पर, इधर मैप 4 5 पर, 5 4 पर, और 6 6 पर मैप करेगा, राइट।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो परम्यूटेशन, ये इसकी लेंथ क्या है? 3 है। इसकी लेंथ क्या है? 2 है। इसकी लेंथ क्या है? 1 है। तो इनका सम करें, इसका अगर हम सम करते हैं, अगर इसको हम सीक्वेंस की फॉर्म लिखें देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास 1, 2, 3 आ जाएगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिख सकते हैं। और इनका अगर सम करते हैं, 1 + 2 + 3 करते हैं तो ये इक्वल टू 6 आता है, जो कि इस परम्यूटेशन की क्या है, लेंथ है। तो यही स्टूडेंट्स की डेफिनेशन में बताया गया था कि हमारे पास ये जो हमारे पास साइकिल है, जो कि डिसजॉइंट साइकिल है, और इसके अंदर हमने आइडेंटिटी परम्यूटेशन में को भी ले रहे हैं, जिसकी लेंथ साइकिल 1, यानी 1 लेंथ के साइकिल भी हम शामिल कर रहे हैं। इनका सम जो होता है वो इक्वल होता है, इस जो परम्यूटेशन होती है उसके ऑर्डर के इक्वल होता है, यानी जो डिग्री जितनी आ रही होती है उतनी ही उसके सम होता है उसके इक्वल, यानी कि उसका जो सम होता है इस परम्यूटेशन की डिग्री के इक्वल होता है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टाइप ऑफ परम्यूटेशन थी कि हमारे पास जितने उसके डिसजॉइंट साइकिल हैं उनकी लेंथ को अगर हम सम करें तो वो उसके इक्वल आ जाता है, एन के इक्वल आ जाता है, जो कि इसकी क्या होती है, डिग्री होती है परम्यूटेशन की। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी टाइप ऑफ परम्यूटेशन की। अब हमारे पास सेम टाइप ऑफ परम्यूटेशन क्या है, यहां पर स्टूडेंट हम देखेंगे टू परम्यूटेशंस आर सेम होंगी, दो परम्यूटेशन सेम होंगी इफ गैमा इनवर्स अल्फा गैमा एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स आएगा, राइट। तो देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टू परम्यूटेशन क्या सेम है। अब लिमिट क्या है होता है हमारे पास, कंजुगेट एलिमेंट, राइट। कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ग्रुप थ्योरी 1 के अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। अभी हमने उन एग्जांपल को भी डिटेल से डिस्कस किया था और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आपको अगर कोई भी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो वाला जो लेक्चर हमारा कंजुगेट एलिमेंट वाला वो जाकर वॉच कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास अल्फा कंजुगेट होगा बीटा के इफ देयर एग्जिस्ट गैमा इन एस एन सच दैट अल्फा इज इक्वल टू गैमा इनवर्स बीटा गैमा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट, राइट, कि अल्फा जो है वो कंजुगेट होगा बी का अगर हमारे पास एस एन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट गैमा मिले सच दैट कि अल्फा इज इक्वल टू गैमा इनवर्स बीटा गैमा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन है। ये तो हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास टाइप ऑफ परम्यूटेशन क्या होती है और सेम टाइप ऑफ परम्यूटेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। अब स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाते हैं कि इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। प्रूफ में स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू एस एन बी ऑफ सेम टाइप, राइट, कि हमारे पास लेट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा के अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या है, एक्स वन कॉमा एक्स टू डॉट डॉट एक्स पी, राइट, और इसके बाद हमारे पास वाई वन कॉमा वाई टू डॉट डॉट वाई क्यू, राइट, डॉट डॉट, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जेड वन कॉमा जेड टू डॉट डॉट जेड आर, राइट। बीटा ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू एक्स वन डैश कॉमा एक्स टू डैश डॉट डॉट एक्स पी डैश इंटू वाई वन डैश कॉमा वाई टू डैश डॉट डॉट वाई क्यू डैश अप टू सोन, इधर हमारे पास क्या है, जेड वन डैश कॉमा जेड टू डैश सोन जेड आर डैश, राइट। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, परम्यूटेशन हमने ले ली, और ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स, राइट। अब टू प्रूव दैट
इसके लिए स्टूडेंट हम क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू गैमा इनवर्स अल्फा गैमा, राइट। ये हम स्टूडेंट प्रूव करेंगे इसमें कि बीटा इज इक्वल टू गैमा इनवर्स अल्फा गैमा। अब स्टूडेंट हम गैमा फाइंड करते हैं, गैमा हमारे पास क्या आएगा इन एस एन में, हम गैमा ले लेते हैं स्टूडेंट, गैमा इज इक्वल टू बीटा अल्फा, राइट। अब बीटा अल्फा का क्या मतलब है कि हम यहां पर ऊपर एलिमेंट लिखेंगे बीटा के, यानी कि हमारे पास आएगा एक्स वन डैश एक्स टू डैश डॉट डॉट एक्स पी डैश, राइट। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा वाई वन डैश वाई टू डैश अप टू सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा वाई क्यू डैश टू सो ऑन, इधर हमारे पास क्या है जेड वन डैश जेड टू डैश डॉट डॉट जेड आर डैश, राइट। और इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स पी, राइट। इधर हमारे पास क्या आएगा वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई क्यू, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जेड वन जेड टू, इधर डैश आएगा जेड वन जेड टू डॉट डॉट जेड आर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने गैमा फाइंड कर लिया, गैमा इनवर्स अल्फा गैमा, इसको हम मल्टीप्लाई करते एक्स आई डैश, ठीक है। जब हम इसके ऊपर गैमा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये हमारे पास गैमा इनवर्स अल्फा, अब हमने इसके ऊपर जब गैमा अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, गैमा यानी ये आ जाए एक्स आई मैप करेगा, ठीक है। जब हम इसके ऊपर गैमा अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी जब हम इस डैश के ऊपर गैमा अप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे टर्म आ रही वो आ जाएगी, यानी एक्स आई आ जाएगा। इसके ऊपर दोबारा फिर हम जब अप्लाई करेंगे गैमा इनवर्स इंटू अल्फा ऑफ हमारे पास एक्स आई, राइट। जब ये अप्लाई करेंगे और अल्फा के अंदर हमारे पास क्या है एक्स आई पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर टर्म एक ऐड हो जाएगी, यानी गैमा इनवर्स ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वन आ जाएगा, राइट। अब दोबारा फिर हम जब गैमा इनवर्स अप्लाई करेंगे, यानी आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स आई प्लस वन डैश आ जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर देखेंगे क्योंकि इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम नीचे से ऊपर को मैप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स आई प्लस वन आ जाएगा डैश। अब स्टूडेंट हमने ये क्या फाइंड किया, ये हमने एक्स आई के लिए फाइंड किया, हम वाई के लिए भी फाइंड करेंगे और जेड के लिए भी फाइंड करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास जो इमेज आ रही होगी, जो एलिमेंट आ रहा होगा, वो हमारे पास डैश के एलिमेंट आ रहे होंगे। सिमिलरली तो यहां से हम ये किसके लिए फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया था गैमा इनवर्स, ये एक्स के लिए किया था अल्फा गैमा इनवर्स गैमा, इधर हम वाई के लिए करेंगे वाई आई डैश के लिए, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास वाई आई प्लस वन डैश आएगा। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, गैमा इनवर्स अल्फा गैमा इनटू इधर आएगा जेड आई डैश इज इक्वल टू जेड आई प्लस वन डैश आ जाएगा, राइट। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसका मतलब है गैमा इनवर्स अल्फा गैमा इज इक्वल टू बीटा, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि अब बीटा जो था हमारे पास, बीटा हमने फाइंड किया उस डैश के एलिमेंट आ रहे थे, जो बीटा लिया था उसके अंदर सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है डैश वाले थे, तो ये बीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दी, सो हम कहेंगे सो अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट, ये हमारी डेफिनेशन किसकी बन रही है, कॉन्जुगेट एलिमेंट की बन रही है, सो हम कहेंगे अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट, राइट। कि अल्फा एंड बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो ये स्टूडेंट हमने पहला इसका फॉरवर्ड पार्ट देखा, अब हम कन्वर्स देखते हैं कि इसके कन्वर्स में क्या है स्टूडेंट। कन्वर्सली लेट अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट,
अल्फा और बीटा क्या है, हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट हैं, तो देन हमारे पास देयर एग्जिस्ट गैमा बिलोंग टू एस एन, गैमा हमारे पास एक एस एन के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट बीटा इज इक्वल टू गैमा इनवर्स अल्फा गैमा, राइट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट, राइट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा ऑफ आई, राइट, और गैमा हम लेट कर लेते हैं, गैमा के अंदर एलिमेंट जो है आई इंटू गैमा ऑफ आई, राइट, ये हम एलिमेंट ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हम इसके अंदर एलिमेंट रखते हैं और गैमा इनवर्स अल्फा गैमा इज इक्वल टू, अब हमारे पास गैमा की वैल्यू क्या है, आई गैमा इनवर्स ऑफ आई, राइट, इधर हमारे पास क्या है, आई अल्फा ऑफ आई, राइट, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई गैमा ऑफ आई, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, अब हम आई किस पर मैप कर रहे हैं, गैमा ऑफ आई पर, और गैमा ऑफ आई हमारे पास है ही नहीं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है आई गैमा इनवर्स ऑफ आई, राइट, तो इसके हम आई ये सेम आ जाएगा एज इट अल्फा ऑफ आई, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला गैमा इनवर्स ऑफ आई ये आ जाएगा, ठीक है, यानी गैमा इनवर्स आई आई आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से आई गैमा इनवर्स ऑफ आई, और इधर हमारे पास क्या आएगा, यानी गैमा इनवर्स किस पर मैप कर रहा है, गैमा इनवर्स ऑफ आई मैप कर रहा है आई पर, और आई किस पर मैप कर रहा है, अल्फा ऑफ आई पर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गैमा इनवर्स ऑफ आई, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ आई, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से गैमा इनवर्स आई, और ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा इनवर्स अल्फा ऑफ आई, राइट, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे, और ये किसके इक्वल था हमारे पास, बीटा के, राइट, तो यहाँ से ये हमारे पास बीटा जो आ गया वो इक्वल, बीटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हम इस एलिमेंट को हम ओपन करते हैं इसको, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट हमारे पास आएंगे, इसके अंदर अगर हम इसको आई को वेरिएशन देते हैं, तो आई को हमारे पास क्या है, गैमा इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास क्या है, गैमा इनवर्स ऑफ एक्स वन आएगा, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ एक्स पी, राइट, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, गैमा इनवर्स ऑफ वाई वन, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ वाई क्यू, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ जेड वन, डॉट डॉट गैमा इनवर्स जेड आर, राइट, और इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, पहले अल्फा अप्लाई करेंगे फिर गैमा इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो क्या आएंगे, गैमा इनवर्स ऑफ एक्स टू, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ एक्स वन, राइट, इधर हमारे पास क्या है, गैमा इनवर्स ऑफ वाई टू, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ वाई वन, राइट, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ जेड टू, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ जेड वन, राइट, तो ये जो हमारे पास परमुटेशन मिली है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक परमुटेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं गैमा इनवर्स ऑफ एक्स वन, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ एक्स पी, राइट, इधर हमारे पास क्या है, गैमा इनवर्स ऑफ वाई वन, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ वाई क्यू, डॉट डॉट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा इनवर्स ऑफ जेड वन, डॉट डॉट गैमा इनवर्स ऑफ जेड आर, राइट, और ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक परमुटेशन, और ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट साइकिल हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स, राइट, ये हमारे पास क्या है, सो अल्फा एंड बीटा आर सेम टाइप, सेम
टाइप। हमने प्रूव करना था कि हम क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या हैं, आपस में कंजुगेट एलिमेंट हैं इन SN के अंदर, और उनको हमने प्रूव कर दिया कि वो हमारे पास क्या हैं, सेम टाइप हैं, यानी अल्फा और बीटा क्या हैं, आपस में सेम टाइप। स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब हमारे पास अल्फा और बीटा हमारे पास क्या हों, सेम टाइप के हों। अगर अल्फा बीटा हमारे पास सेम टाइप के नहीं होंगे तो देन ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इट मीन्स दैट अल्फा और बीटा जो है वो आपस में कॉन्जुगेट नहीं होंगे स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।